हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं रिव्यू शेयर कर रही हूँ सोफी के एक्सल पैड्स का। सो अगर आप इस पैड के बारे में जानने में इंटरेस्टेड हो एंड डिटेल में जाना चाहते हो इस पैड के बारे में, तो वीडियो के एंड तक जरूर वॉच करिए। वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, ये पैड कुछ इस टाइप की पैकेजिंग में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है सोफी बॉडी फिट स्टैन पोजीशन, 39 रुपीज़ में आपको मिलेगा ये। इसमें 6 पैड्स आपको दिए गए हैं एंड ये पैड काफ़ी ज़्यादा स्लिम है, एक्सल पैड है, एक्स्ट्रा लॉन्ग है, डीप ऑब्जर्वेशन है, प्रिवेंट्स लीकेज इवन ऑन हैवी डेज। सो अगर आपको काफ़ी ज़्यादा हैवी फ्लो होता है तो हैवी फ्लो के लिए ये बेस्ट पैड है। मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया ये पैड। सो यहाँ पे और भी डिटेल्स दी गई हैं, आप यहाँ से रीड कर सकते हो। टोल फ्री नंबर्स भी दिए गए हैं, अगर आपको कोई क्वेरीज हो आप कॉल भी कर सकते हो। सो अभी मैं बैक साइड में आपको दिखा देती हूँ कि इसमें क्या क्या मेंशन किया गया है। सो गाइस, यहाँ पे दिया गया है प्रिवेंट्स लीकेज इवन ऑन हैवी डेज, डीप ऑब्जर्वेशन, इट ऑब्जर्व्स फ्लो इवन ऑन हैवी डेज, दैट कीप्स द टॉप सीट विजिबली क्लीनर एंड प्रिवेंट लीकेज। सो ये लीकेज को काफ़ी अच्छे से प्रिवेंट करता है हैवी डेज में भी। यहाँ पे भी वही चीज़ मेंशन की गई है, सेम एक्स्ट्रा लॉन्ग 290 mm। एंड यहाँ पे आपको देखने को मिल जा रहा है कि इसको यूज़ कैसे करना है, हाउ टू यूज़। यहाँ पे यूज़ करने के सारे डायरेक्शंस दिए गए हैं एंड इसके बगल में आपको डिस्पोज करने के भी डायरेक्शंस दिए गए हैं। सो आप इसको इसी तरह से डिस्पोज करिए जैसे यहाँ पे डायरेक्शंस दिए गए हैं। आप इसको अच्छे से रीड कर सकते हो और इसी के अकॉर्डिंग आप इसको यूज़ कर सकते हो एंड वैसे ही डिस्पोज करो तो ज़्यादा अच्छा होगा। सो गाइस, अभी मैं ओपन करके आपको इसको दिखा देती हूँ। तो ओपन करने के बाद ये कुछ इस टाइप से आपको दिखेगा। इसमें 6 पैड्स दिए गए हैं एंड ये लुक वाइज कुछ इस टाइप का आपको दिखेगा। यहाँ से इसको हमें ओपन करना होता है। सो इसकी पैकेजिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, इसकी पैकेजिंग काफ़ी अट्रैक्टिव है, थोड़ा सा डिफरेंट है इसकी पैकेजिंग। सो अदर पैड से इसकी पैकेजिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी। सो आप लोग देख सकते हो यहाँ से ये ऐसे ओपन हो जाता है। सो ओपन करने के बाद आप लोग देख सकते हो कुछ इस टाइप से ये दिखेगा एंड इसकी जो टॉप लेयर है, टॉप शीट है, वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है एंड कॉटनी है। ये काफ़ी ज़्यादा स्लिम है, पैड जो है काफ़ी ज़्यादा थिन है ये एंड सॉफ्ट है। ये आपको थोड़ी सी भी इरिटेशन नहीं देगा एंड ये काफ़ी अच्छे से ऑब्जर्व करता है। हैवी फ्लोज में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छे से ऑब्जर्व करता है ये। सो इसकी फ्रेग्रेंस भी अच्छी है, लाइट सी है एंड इसकी स्टिकनेस की बात की जाए तो वो भी ठीक है, अच्छा है मतलब। एंड आप इसको काफ़ी लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर सकते हो और हैवी फ्लोज के लिए तो ये बेस्ट पैड है। मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया ये, आप इसको डेफिनेटली बाई कर सकते हो।